नमस्कार साथियों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपनी जो ज्योग्राफी की शॉर्ट नोट सीरीज है उसके अंतर्गत आज माही नदी है, उसको अपन आने वाले 2-3 मिनट के अंदर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही शानदार तरीके से उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं माही नदी के बारे में। देखो, माही नदी है उसका उद्गम होता है अपने मध्य प्रदेश है, उसके अंदर मेहद झील है, जो विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र है वहाँ पे मेहद झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद इसकी यदि टोटल मैं लंबाई की बात करूँ तो इसकी 576 किलोमीटर लंबाई है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद में ये जो खंभात की खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, न कि कच्छ की खाड़ी में। अरब सागर का तो पार्ट है ये, लेकिन अरब सागर में भी दो खाड़ियां हैं, तो उसमें खंभात की खाड़ी के अंदर ये जाके गिरती है। मैं इसकी बात राजस्थान के अंदर करूं तो राजस्थान के अंदर ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं अपने, एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, उन दो जिलों के अंदर ये प्रवाहित होती है। बांसवाड़ा के अंदर एक खांडू नामक स्थान है, यहां पे बांसवाड़ा के अंदर खांडू नामक एक गांव है, वहां से ये एंट्री करती है। राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 171 किलोमीटर लंबाई है। इसकी यदि आकृति की बात करें तो ये उल्टे यू आकार की आकृति का निर्माण करती है, देखो। और ये विश्व की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, एक बार उत्तर की तरफ जाती है, उसके बाद दक्षिण की तरफ जाती है, तो दो बार ये काटती है, ये भी ध्यान रखना है। इस नदी के उपनाम की बात करें, इसके काफी उपनाम है जो पूछे भी जाते हैं। इसका उपनाम है, एक आदिवासियों की गंगा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पे ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसको वागड़ या कांठल की गंगा भी कहा जाता है। इस जो क्षेत्र को वागड़ या कांठल के नाम से जाना जाता है तो इसको वागड़ या कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैं इस नदी के ऊपर बांध की बात करूं तो इसके ऊपर टोटल 3 बांध बने हुए हैं। पहला बांध कौन सा है इसके ऊपर, यदि पहले बांध की बात करें तो माही बजाज सागर बांध है, वो बना है जो कि बांसवाड़ा शहर है उससे 16 किलोमीटर पूर्व की तरफ इसका निर्माण किया गया है। दो बांध और बने हैं, एक कडाना बांध बना हुआ है, एक कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, दो बांध इसके आगे और बने हुए। उसके बाद में जो माही नदी है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसकी सहायक नदियां हैं, उसके बारे में बार बार पूछा जाता है, तो सहायक नदियों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको बताता भी हूं कि 8 सहायक नदियां हैं, उनको टिप्स पे करना है। पहले अपन सीरीज वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले सोम नदी है, जाखम नदी है, अनास है, हरण है, चाप है, मोरेन है, बादर है, इरू। तो आप इसको एक स्पीड से अपनी एक लय के रूप में याद कर लो ताकि कभी भूलोगे नहीं। सोम, जखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, बादर, इरू। क्या हो गई? सोम, जखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, बादर, इरू, ये इसकी टोटल 8 नदियां हैं। इस 8 नदियों के अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट नदियों की बात करूं तो एक आती है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम होता है अपने प्रतापगढ़ से, इसके ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध बनाया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद जाखम नदी है और सोम नदी आपस में मिलती है। सोम नदी है, इसका उद्गम उदयपुर से होता है और सोम नदी के ऊपर दो बांध परियोजना बनाई गई है जो लगभग बहुत सारी एग्जाम के अंदर राजस्थान के पूछा हुआ है। वो कौन कौन सी है? एक तो है सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना कहाँ पे है? उदयपुर में। ये है उदयपुर में, ठीक है। और एक उसके आगे चलते हैं तो सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ये है डूंगरपुर में। इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ये दोनों नदियाँ आगे जाके जो माही नदी है उसमें मिलती हैं और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। और ये त्रिवेणी संगम है वहाँ पे बेणेश्वर नामक स्थान है, वहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं और बेणेश्वर का यहाँ पे मेला भी भरता है, ठीक है, जिसको आदिवासियों के कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं अपन ने याद तो कर ली, यदि इनको मोटी मोटी देखें तो एक ये एराव नदी है, इधर एराव नदी है जो कि माही बजाज सागर से जस्ट पहले इसमें आकर मिलती है, आगे बाद में जाखम है, इधर सोम है, मोरेन नदी मिलती है। यदि मैं इसके दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियों की बात करूं तो चाप नदी है, हरण है, अनास है, ये इसके दक्षिण की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो ये अपन ने पूरी डिटेल से डिस्कस की है माही नदी को। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें याद हो गई होंगी और काफी ये वीडियो हेल्पफुल रहा। थैंक यू वेरी मच।